स्थिर होते जाए। और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। आपकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी। स्माइलिंग फेस, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एकदम शांत और शांत और स्थिर। एक गहरी श्वास लें। शस्त तो। और एक गहरी श्वास। और छोड़ दें सारी नेगेटिविटी, सारी कंफ्यूजन की ऊर्जा, दिन भर इकट्ठी की हुई नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते जाएं। बंद आंखों से, अपनी मन की आंखों से, अपने शरीर के हर एक अंग को देखें। अपने पैरों को, अपनी लातों को और एक एक अंग को अपना प्यार भेजें। अपने घुटनों को, सभी वाइटल ऑर्गन्स। अपनी वोम, अलबशा, किडनीज, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, डाइजेस्टिव सिस्टम, लंग्स, अपने चेहरे, आंखों को, कानों को, अपने बालों को, शरीर के एक एक अंग को अपना प्यार भेजें। आपका शरीर परमात्मा द्वारा दी गई एक अद्भुत, बहुत सुंदर देन है। इसका सम्मान करें और बहुत अधिक प्यार अपने शरीर के एक एक अंग को भेजते जाएं। शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद कहें। जहां कहीं आपको दर्द हो रहा है, जहां कहीं तनाव की ऊर्जा है, उस अंग को और अधिक प्यार भेजें, सम्मान भेजें, उससे कहें, आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत प्यार, बहुत सम्मान देता हूं। शरीर के एक एक अंग को महसूस करवाए कि आप उसे कितना प्यार करते हैं और आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये घुटने कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये गॉल ब्लैडर, किडनीज, लंग, लीवर कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेंड लव, ऑनर ऑल द ऑर्गन्स। एक एक ऑर्गन का धन्यवाद कहें। अपने कंधों पर हाथ रखें, धन्यवाद कहें उनका। अपने हाथों को धन्यवाद कहें, अपनी लातों को धन्यवाद कहें,
अपने चेहरे के एक एक अंग को धन्यवाद कही। शांत होते जाएं, परमात्मा द्वारा दी गई अद्भुत देह आपके पास है। धन्यवाद करें परमात्मा का, मास्टर्स का, इस सुंदर देह के लिए। इस सुंदर काया के लिए अमुमत तते तते को तेषो शर हस्त तेषो शो शो शर हस्त तुम शह। मैं एक मिनट के लिए सबको अनम्यूट करूंगी, तो प्लीज आपके घर में शांति रहे, उस वक्त कोई शोर ना हो, क्योंकि हमें ओम का उच्चारण करना है। तो आप सभी अपने फैमिली मेंबर्स को कहिए कि वो एक मिनट तक आपके घर में बिल्कुल शांति रहे, और जिनके घर में थोड़ा शोर है वो अपने को मतलब म्यूट ही रखें। तो हमें ओम का उच्चारण करना है, तो मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। शत तते 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 शत तते 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 शत तते तते अष्ट हाष्ट तोम अष्ट हाष्ट तोम शह। सो हम एक गहरा श्वास लें और बतते शो ओ फिर से म्यूट कर दिया है। एकदम शांत होते जाएं, ओम की वाइब्रेशन को फैलने दे पूरे ब्रह्मांड में। शत तते तो शा शा शा। सो हम फिर शुरुआत करते हैं सभी आर्कएंजल्स के साथ। अरहस्ती शो, सबसे पहले सारा ध्यान अपनी पैरों की सोल्स पर, और देखिए गोल्डन कलर की रोज पैरों की सोल्स से होती हुई आपके शरीर से नीचे 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 क्रिस्टलाइन कोर ऑफ मदर अर्थ में जाती हुई, और जहां पर ये डायमंड ऑफ मदर अर्थ सेंटर बिल्कुल सेंटर में ये रूट्स गोल्डन कलर की रूट्स पहुंच गई हैं। इन रूट्स के चारों तरफ कोई भी तीन क्रिस्टल आप बांध कर रख दें, ताकि आप पूरी तरह से ग्राउंडेड हो जाएं। कोई भी अपनी तीन मनपसंद के क्रिस्टल, आप रोज क्वार्ट्ज, सेलेनाइट, ब्लैक टर्मोलिन या अपनी मनपसंद का कोई भी क्रिस्टल रख सकते हो। कोई तीन क्रिस्टल शत तत शत शो। धरती माँ के सेंटर से डायमंड ऑफ मदर अर्थ से ऊर्जा ऊपर की ओर आती हुई, और आपके अर्थ स्टार चक्र से, आपकी पैरों की सोल से होती हुई, आपकी लेग से होती हुई,
ऊपर की ओर उठती हुई आपके रूट चक्र में प्रवेश करती हुई, रूट चक्र ओपन अप होता हुआ, ये ऊर्जा ऊपर की ओर उठती हुई आपके हारा चक्र को खोलता हुआ, ऊपर की तरफ आती हुई सोलर प्लेक्सिस चक्र को खोलती हुई, हार्ट चक्र में प्रवेश करती हुई ये ऊर्जा हार्ट चक्र को ओपन अप करती हुई शततते शो 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 शो। अब हम अपना ध्यान अपने क्राउन चक्र से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, ग्रेट सेंट्रल सन से ऊर्जा नीचे की ओर आती हुई और हमारे सोलर सन से होती हुई नीचे नीचे की ओर आती हुई हमारे क्राउन चक्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई हमारा क्राउन चक्र ओपन अप होता हुआ इस ऊर्जा को रिसीव करता हुआ धीरे धीरे ये ऊर्जा क्राउन चक्र से थर्ड आई से होते हुए हमारे थ्रोट और हार्ट चक्र में आकर मर्ज होती हुई मदर अर्थ की एनर्जी से एक ह्यूज पिलर ऑफ लाइट बन चुका है। हम मदर अर्थ और फादर एनर्जी से पूरी तरह कनेक्ट हो चुके हैं, एक ह्यूज पिलर ऑफ लाइट बन चुका है और हम सब ग्राउंडेड हैं। अपने अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट, अपने असेंशन गाइड्स, अपने मास्टर्स का आह्वान करें अरहस्तिष्ठोम शाह। और हम सबसे पहले आर्केंजल संदल्फन का आह्वान करते हैं। आर्केंजल संदल्फन हमारे अर्थ स्टार चक्र के इंचार्ज हैं। अरबतिष्ठोम शाह वो ग्राउंडिंग में हेल्प करते हैं। अरबहस्तोम शस्तोम अरबस्तोम शाह हमारे अर्थ स्टार चक्र को टच करते हुए और जैसे ही उन्होंने उसे टच किया है हमारा अष्टार चक्र तेजी से घूमना शुरू हो गया है, बहुत तेजी से स्पिन करना शुरू हो गया है। और सिल्वर कलर की ऊर्जा अष्टार चक्र से बह रही है अष्टा चक्र को अलाइन करते हुए आर्केंजल सैंडलफन अरबतते अरमते शो शो शो। थैंक यू आर्केंजल सैंडलफन। अब हम माइटी आर्केंजल माइकल का आह्वान करते हैं। माइटी आर्केंजल माइकल अपने गहरे नीले रंग की ऊर्जा के साथ हमारे राइट हैंड साइड पर आकर खड़े हो गए हैं। उनके आते ही हमारे ब्लू कलर का पूरी ऊर्जा हमारे शरीर के चारों तरफ फैलने लगी है और हम उनकी ब्लू कोट की एनर्जी के अंदर हैं। आर्केंजल माइकल के बहुत बड़े बड़े ब्लू कलर्स के विंग्स और उन विंग्स की ऊर्जा में हम आर्केंजल माइकल ने हमें उन विंग्स में अपने पंखों में समा लिया है। हमें उनके पंखों की ऊर्जा में एक बच्चे की भांति हम कितना सेफ, कितना सिक्योर, कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा मां की गोद में कितना सुरक्षित महसूस करता है, कितना पीसफुल महसूस करता है, उसे कितना आनंद महसूस होता है। आर्केंजल माइकल के पंखों में हम शततेशो वही सेफ्टी, वही पीस, वही रिलैक्सेशन, इस दिव्य अनुभूति को अपने शरीर के एक एक सेल में बहने दो। आर्केंजल माइकल बड़े प्यार से आपकी आंखों में देख रहे हैं।
और वो आपसे पूछ रहे हैं, क्या आप लेट गो करने के लिए तैयार हैं? क्या आप सभी कोर्स काटने के लिए तैयार हैं जो आपके अच्छे के लिए नहीं है? ऑफ कोर्स यू से यस। कहिए कि हम सब ऐसी ऊर्जा छोड़ने के लिए तैयार हैं, उन कोर्स को काटने के लिए तैयार हैं जो हमारी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं, जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है। आर्कएंजल माइकल उन सभी कोर्स को काटते जा रहे हैं जो किसी भी चक्रा से अटैच है, जो हमारे अच्छे के लिए नहीं है, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए सही नहीं है, हमारी ग्रोथ के लिए सही नहीं है। आर्कएंजल माइकल जैसे जैसे वो कोर्स काटते जा रहे हैं, हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स, एकदम लाइट होती जा रही है। हमारी ओरा में हजारों सूर्यों का प्रकाश जगमगाने लगा है। इतनी लाइट, इतना प्रकाश हमारी ओरा में, शत तत 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 श श श श श श। जैसे जैसे आप लेट गो करते जा रहे हो, आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा और गहरी लेयर्स तक पहुंच पा रही है। आर्कएंजल माइकल आपके गले के चक्रा के भी इंचार्ज है। उनसे कहिए कि वो आपके थ्रोट चक्रा को भी ब्लेस करे। शततते शततते शाशा। और आर्कएंजल माइकल बड़े प्यार से आपके थ्रोट चक्रा को, आपके गले के चक्रा को छू रहे हैं। जस्ट फील द सेंसेशन आर्कएंजल माइकल के आपके गले के चक्र को छूते ही आपके गले का चक्र, उसके 22 पैटर्न, उसकी 22 पत्तियां, लोटस की 22 पत्तियां खिलने लगी हैं। शततततते शततततो शततततते शततततो शो शततततते शततततो शो। आपके थ्रोट चक्रा से हर तरह की ऊर्जा जो आपके अच्छे के लिए नहीं है रिलीज होती जा रही है। इस ऊर्जा में बने रहिए। आर्कएंजल माइकल को आपके थ्रोट चक्र पर काम करने दें। बहुत सारी ऊर्जा आपके थ्रोट चक्र से बाहर आती जा रही है। जन्मों जन्मों से जमी हुई मैल, कार्मिक इम्प्रिंट्स आपके थ्रोट चक्र से बाहर आते जा रहे हैं। आपका थ्रोट चक्र खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है। आर्कएंजल माइकल की ऑनेस्टी की ऊर्जा, सच्चाई की ऊर्जा आपके थ्रोट चक्रा में एंकर होती जा रही है। जन्मों के बाद आप सच बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे हो बिना डरे। आप में भी वही शक्ति, वही विजडम, वही नॉलेज आर्कएंजल माइकल एंकर कर रहे हैं। जो क्वालिटीज, जो गुण उनमें हैं, आपका थ्रोट चक्रा शाइन करता जा रहा है। आप सभी से बातचीत कर पा रहे हो, अपना सच बोल पा रहे हो,
आप सभी लोगों को अट्रैक्ट कर पा रहे हो क्योंकि आपके गले से सच निकल रहा है, दिव्यता निकल रही है, सच रेडिएट हो रहा है और ये सच्चाई की ऊर्जा हर जगह फैल रही है। आपके थ्रोट के एक एक सेल से, लोटस के एक एक पेटल से हजारों सूर्यों का प्रकाश निकलना शुरू हो गया है, शाइन करता हुआ। देखें अपने थ्रोट चक्रा को, आर्कएंजल माइकल मुस्कुराते जा रहे हैं और आपके थ्रोट चक्रा को ब्लेस करते जा रहे हैं। जन्मों जन्मों से जमी हुई धूल मैल, कार्मिक इम्प्रिंट्स, ट्रॉमा की एनर्जी, पेन की एनर्जी सब रिलीज होती जा रही है, डिसॉल्व होती जा रही है। आपका थ्रोट चक्रा खुलता जा रहा है, शक्ति की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, ट्रुथ की ऊर्जा, सच्चाई की ऊर्जा आर्कएंजल माइकल आपके गले में लगातार प्रवाहित कर रहे हैं। उन सभी कोर्ड्स को काटते जा रहे हैं जो आपके थ्रोट चक्रा से अटैच हैं, जो आपके अच्छे के लिए नहीं है। आप सबको माफ करते जा रही हो और खुद को भी माफ करते जा रही हो। आपके गले के सेंटर से प्रकाश नीलमणि की भांति फैलता जा रहा है और अब आप अपने जीवन में भी उन सभी लोगों को अट्रैक्ट करते जाओगे जो लोग सच बोलने वाले होंगे। जैसे आप खुद हो वैसे ही लोग अब आप अट्रैक्ट करोगे जो ईमानदार होंगे, जिन पर आप भरोसा कर पाओगे। आपका थ्रोट चक्र खुलता जा रहा है और सेंटर ऑफ द थ्रोट से ये प्रकाश प्लैनेट मरकरी तक जा रहा है। आपके थ्रोट सेंटर से ये प्रकाश प्लैनेट मरकरी तक जाता, कॉन्टिन्यूसली पहुंचता जा रहा है। प्लैनेट मरकरी में हमारा कॉस्मिक थ्रोट चक्र है और वहां पर जाकर हमारे गले के चक्र का प्रकाश कॉस्मिक थ्रोट चक्र से जाकर अटैच हो गया है और हमें बहुत सारे डाउनलोड्स ऑफ विजडम, जो कि अटलांटिस टाइम की विजडम थी कॉस्मिक थ्रोट चक्र में, वो एक बार फिर से हमारे थ्रोट चक्र में डाउनलोड होने लगी है। दम धे दूर देशो दर 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 देशो दर 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 धोर धम धो धम दर दर धर धम धेशो शो दर 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 धम धर धोषा दर दर धर 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 धम धोषा दर दर धर 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 धम तो धद धम धर धर धद धम धर धर दद दद धर 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 धम धो दद दद धम धर 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 धम धोषा दर दर धम धो दर दर धम धोषा दर दर धम धोषा दर दर धम धो दर दर धम धोषा शर दर धम धो शर दर धम धद धम शर दर धर धर धम धोषा शर दर धम धोषा शर दर धम धोषा शर दर धर धम शर दर धर धम शर दर धर धम शर दर धर धम शर दर धर धर धम शो शर दर धम धम धर शो शर धम
शरदम 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 शरदम। बहुत ही यूनिक, बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही डिफरेंट तरह का कोड प्लेनेट मर्करी ने आज हमें दिया है। आज हम हमारा थ्रोट, हमारी कॉस्मिक थ्रोट जो कि मर्करी प्लेनेट में ऐसे कनेक्ट हुआ है, और हमारे अंदर एटलांटियस काल में जब वहां पर एक गोल्डन युग था और उसके बाद ये एनर्जी विलुप्त हो गई थी, उसके बाद से आज हम फिर उस एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए हैं। शत धे धो रत धम धे अर्धम धद 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 देशो अर्धम धद देशो। फील द आर्कएंजल्स एंड द एंजल्स आर डांसिंग विद जॉय, दे आर सिंगिंग pouring their blessings, wisdom and love into our grit, into each and every cell of our being. Enjoy कीजिए इस घड़ी को, इस दिव्यता को, इन शावर को। शद दद धम धोरा दर दर धर धर धम अर दर धर धद धे रद धम अर दर धर 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 धोषा अर दर धेशो अर दर धर 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 धो रद धम धर धेशो धर 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 धेशो धर धर धम। एब्सॉर्ब करते जाएं फ्रीक्वेंसीज को, कोर्ट्स को अपने थ्रोट चक्र, अपने गले के भीतर। धर 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 धम धो अर धम धोषा। हजारों आर्कएंजल्स मास्टर्स के साथ आज हम सराउंडेड हैं, जस्ट उन सब की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होते जाएं, धन्यवाद करते जाएं। बहुत ही अनमोल क्षण है ये, बहुत अनमोल घड़ी। हजारों सालों के बाद, युगों के बाद आज हम फिर उस घड़ी में आ पहुंचे हैं जहां हमारी सोल ने बरसों इंतजार किया था। मास्टर्स अपना प्यार हम पर लुटा रहे हैं। फील द लव, फील द फ्रीडम। अपने थ्रोट चक्र से कुछ प्यार के शब्द, आभार के शब्द, फ्रीडम के शब्द पूरी प्लेनेट अर्थ पर वाइब्रेशंस फैलाएं। इस धरती पर रहने वाला हर प्राणी मात्र आपके थ्रोट से निकलने वाली ऊर्जा से प्रभावित हो रहा है। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी फ्रीडम की, आज जो फ्रीडम आपको मिली है उस फ्रीडम की एनर्जी को पूरे प्लेनेट अर्थ पर एक एक सोल को, एक एक प्लांट को, एक एक एनिमल को, सभी को जरूरत है इस ऊर्जा की। पूरे प्लेनेट अर्थ पर फैला दें इस ऊर्जा को। आभार प्रकट करते जाएं सभी मास्टर्स का, आर्कएंजल्स का, ये घड़ी दिखाने के लिए जिसका आपकी सोल को बरसों से इंतजार था। अर धर 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 धम दद 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 दे अर धर 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 इज दद दद धम शा।
धम धो अर धर धो। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू। अब हम आर्कएंजल गैब्रियल का आह्वान करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर। प्योर व्हाइट आर्कएंजल, दिव्य ऊर्जा से भरपूर, प्योरिटी की ऊर्जा इस प्लेनेट अर्थ पर हर प्राणी को प्योरिटी की ऊर्जा देने के लिए आर्कएंजल गैब्रियल आए हैं, और आज वो अपने ब्यूटीफुल, बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़े, बहुत ही कोमल परमात्मा की एनर्जी से भरे हुए विंग्स, उनके पंख, उन्होंने अपने पंखों से हमारी लेफ्ट हैंड साइड से आकर हमारे पूरे शरीर को अपनी पंखों में समेट लिया है। जस्ट फील द टच ऑफ द विंग्स। आर्कएंजल गैब्रियल हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, और हम उनके बहुत ही दिव्य ऊर्जा से भरे पंखों के बीच में कितने सॉफ्ट, कितने सुरक्षित, कितने कंफर्टेबल फील कर रहे हैं हम। शतते शोशो उनके पंखों में हम कितनी शांति, कितना आनंद महसूस कर रहे हैं। इस प्यार को, इस पवित्रता को, इस हेल्थ से भरी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में बहने दे। ये ऊर्जा हेल्प कर रही है आपके एक एक सेल में प्रेम की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, वननेस की ऊर्जा, जॉय की ऊर्जा, क्रिएटिविटी की ऊर्जा, क्लैरिटी की ऊर्जा को एंकर करती जा रही है आपके एक एक सेल में। इनक्रेडिबल पीस। आर्कएंजल गैब्रियल के पंखों में आप और आपकी ओरा बहुत अधिक शिमरिंग, ब्राइट लाइट रेडिएट करने लगी है। सभी लोअर एनर्जीज एकदम से डिसॉल्व हो गई हैं। सभी कार्मिक इम्प्रिंट्स, ट्रॉमा की एनर्जी, पेन की एनर्जी आर्कएंजल्स के विंग्स में डिसॉल्व होती जा रही हैं। इतनी प्योरिटी, इतना आनंद, इतनी शांति, शतते शोशो वो हमारे एक एक सेल को प्योरीफाई करते जा रहे हैं, एक एक चक्र को प्योरीफाई करते जा रहे हैं अपने दिव्य पंखों। पंख उन्होंने हमारे चारों तरफ किए हुए और हम उनके पंखों के भीतर हैं। इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी शांति, एक एक सेल में क्लैरिटी आती जा रही है। इतनी क्लैरिटी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना का स्तर ऊंचा उठता जा रहा है। हम इनर
पीस महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी की ऊर्जा, क्रिएटिविटी की ऊर्जा हमारे एक एक सेल में आती जा रही है। आर्कएंजल गैब्रियल आपके बेस चक्र को ब्लेस कर रहे हैं और आपका रूट चक्र, आपका बेस चक्र जोर से स्पिन करने लगा है, फास्टर फास्टर। और जितना अधिक ये स्पिन कर रहा है, आप उतने ही अधिक सुरक्षित और सिक्योर महसूस कर रहे हो। आपका बेस चक्र, आपकी बैक बहुत मजबूत होती जा रही है क्योंकि आपके एंजल गैब्रियल आपकी रीढ़ की हड्डी को, आपके बेस ऑफ द स्पाइन पे ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी स्पाइनल कोड एकदम स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, कार्मिक इम्प्रिंट्स डिजोल्व होते जा रहे हैं, भय की ऊर्जा डिजोल्व होती जा रही है, असुरक्षा की भावना डिजोल्व होती जा रही है। आर्कएंजल गैब्रियल की ऊर्जा आपको सपोर्ट करती जा रही है और ये सपोर्ट आप महसूस कर रहे हैं बेस चक्रा के एक एक सेल में। और आर्कएंजल गैब्रियल अब आपके सैक्रल चक्रा की तरफ मूव कर रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल के आते ही ये चक्रा एकदम से ग्लो करने लगा है। आर्कएंजल गैब्रियल की ऊर्जा आपके रिश्ते इंप्रूव करने में हेल्प कर रही है। आपके घर में आपके पति पत्नी के रिश्ते सुधरने लगे हैं, पास्ट रिलेशनशिप हील होने लगे हैं, पुरानी कर्मों की ऊर्जा डिसॉल्व होती जा रही है, आपके रिश्तों में और प्यार और खुशी एक्सेप्टेंस है, केयर है, इमोशनल सपोर्ट आपको मिल रहा है। आर्कएंजल गैब्रियल पूरे सैक्रल चक्र को ब्लेस करते हुए आपके नेवल चक्र की ओर बढ़ रहे हैं। आर्कएंजल गैब्रियल तीनों चक्र के इंचार्ज हैं और नेवल चक्र में आते ही इज ब्लेसिंग द नेवल चक्र। अतिशा वो इस चक्र को और अधिक खोल रहे हैं। और ये चक्र और अधिक फास्टर और अधिक फास्टर स्पिन करने लगा है। आर्कएंजल गैब्रियल के विंग्स अततततेशा बहुत अधिक ऊर्जा हमारे शरीर में फैलती जा रही है। थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल, अपने नीचे के तीनों चक्र में एनर्जी शिफ्ट होती हुई फील करें, कितनी अलाइनमेंट है, कितनी प्योरिटी है, कितना लव है, कितनी सेफ्टी है, कितना जॉय है, कितनी पीस है। शत तते शो 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 अपना ध्यान अब हम आर्कएंजल चैमुअल की तरफ को आह्वान करते हैं। आर्कएंजल चैमुअल जो हमारे हार्ट चक्रा के इंचार्ज हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारा हार्ट चक्रा
ओपन करने के लिए आर्कएंजल चैमुएल हमारे हार्ट चक्र में पिंक एनर्जी प्रवाहित कर रहे हैं और बततोषा इस पिंक कलर की ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। आर्कएंजल चैमुएल लगातार प्योरिटी की ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में प्रवेश करते हुए हमारा हार्ट चक्र और अधिक स्पिन करता हुआ और हमारे ग्रिड में आज शततेशा माक्वानियन मदर मैरी एकदम ग्रिड में आ चुकी हैं। माँ का धन्यवाद करें। माँ मैरी माँ क्वानियन आर्कएंजल चैमुएल हमारे हृदय चक्र में अपने हृदय चक्र से प्रकाश भेज रहे हैं और जैसे जैसे ये प्रकाश हमारे हृदय चक्र में प्रवेश करता जा रहा है हमारा हृदय का चक्र और अधिक एक्सपेंड होता जा रहा है। फील द एक्सपेंशन आज मदर मैरी माक्वानियन आर्कएंजल चैमुएल हमारे हार्ट चक्र को प्लैनेट वीनस के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम प्लैनेट वीनस से अपने हार्ट के लिए अपने कॉस्मिक हार्ट से कनेक्ट हो सके। अरबतेशा हमारा कॉस्मिक हार्ट प्लैनेट वीनस में है। मां मैरी माक्वानियन आर्कएंजल चैमुएल हमारा हार्ट कॉस्मिक हार्ट से कनेक्ट करते हुए इस एनर्जी को महसूस करें। इतनी अधिक प्रेम की ऊर्जा अनकंडीशनल लव को बहने दे अपने हार्ट चक्र में। सभी 33 चैम्बर्स में आज हमारा हार्ट चक्र कॉस्मिक हार्ट से कनेक्ट हो रहा है। ये सूदिंग एनर्जी पूरे हार्ट चक्र में फैलती हुई एक एक सेल में फैलती हुई इस परम आनंद को बहने दे। इस ऊर्जा को महसूस करें और परमानेंटली अपने सेल्स में एंकर करें। धन्यवाद करें आर्कएंजल चैमुएल माक्वानियन मदर मैरी और प्लैनेट वीनस का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अरमतेश। और अब हम आर्कएंजल गैब्रियल का आह्वान करते हैं, आर्कएंजल रैफियल का आह्वान करते हैं। आर्कएंजल रैफियल हमारे पीछे आके खड़े हो गए हैं ग्रीन कलर की ऊर्जा लिए और अपने पंखों से उन्होंने हमें अपनी ओरा में ले लिया है। ग्रीन कलर की ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में बहने लगी है। हीलिंग की ऊर्जा बहने दे। इस ऊर्जा को अपने शरीर के एक एक सेल में आर्कएंजल गैब्रियल हमारी थर्ड आई के भी इंचार्ज है और एक बार फिर वो हमारी थर्ड आई को भी टच कर रहे हैं, उसे ब्लेस कर रहे हैं।
मोर क्लैरिटी हमारी खड़ाई में फ्लो होती हुई, मोर विजडम तोम आर तोम आर हिस्तोम शाह। आर्कएंजल रैफेल का धन्यवाद करें। और अब हम आर्कएंजल ज़ोफियल का आह्वान करते हैं। आर्कएंजल ज़ोफियल हमारी क्राउन चक्रा के इंचार्ज हैं। हमारे क्राउन चक्रा पर 1000 पेटल्स का लोटस आर्कएंजल ज़ोफियल हमारे क्राउन चक्र को ओपन करते हुए महसूस करें, आपका 1000 पेटल का लोटस खुलने लगा है। एक एक पेटल से हजारों सूर्यों का प्रकाश निकल रहा है। आर्कएंजल ज़ोफियल हमारी क्राउन चक्र में विजडम की एनर्जी, पूरे ब्रह्मांड की बुद्धिमता की एनर्जी, विजडम की एनर्जी को एंकर कर रहे हैं। एक एक सेल क्राउन चक्रा का जगमगाता हुआ आर्कएंजल ज़ोफियल अपनी डिवाइन विजडम हमारे क्राउन चक्रा में लगातार प्रवाहित कर रहे हैं। हम हायर फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट होते जा रहे हैं, हाईएस्ट नॉलेज से, एनलाइटमेंट की ऊर्जा, अवेयरनेस की ऊर्जा, एक्सेप्टेंस की ऊर्जा, हार्मोनी की ऊर्जा, फॉरगिवनेस की ऊर्जा, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन लगातार हमारे क्राउन चक्र में बहती जा रही हैं। और हमारा क्राउन चक्र एकदम से ब्राइट 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 बहुत शाइन करने लगा है। और बड़ा होता जा रहा है। आर्कएंजल ज़ोफियल लगातार अपनी ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में प्रवाहित करते जा रहे हैं। एक एक सेल से हजारों स्ट्रीम्स ऑफ लाइट हमारे क्राउन चक्र से निकलकर पूरे ब्रह्मांड तक पहुंच रही हैं। इन लोटस में से हजारों किरणें निकलकर पूरे ब्रह्मांड में पूरे प्लैनेट्स को टच कर रही हैं, गैलेक्सीज को टच कर रही हैं, और वहां से डिवाइन ऊर्जा डिवाइन विजडम को लेकर वापस हमारे क्राउन चक्र में एंकर कर रही हैं। हजारों स्ट्रीम्स ऑफ लाइट यूनिवर्स की तरफ जाती हुई, गैलेक्सीज की तरफ जाती हुई, और वहां से विजडम कलेक्ट करके हमारी क्राउन चक्र में वापस लाती हुई। आर्कएंजल ज़ोफियल लगातार हमारे क्राउन चक्र को ब्लेस करते हुए, अलाइन करते हुए, क्लियर करते हुए, हील करते हुए, और सभी चक्र को एक बार फिर से अलाइन करते हुए आर्कएंजल सैंडल फर्न एक बार फिर से हमारे अर्स्टार चक्र को अलाइन करते हुए, और आर्कएंजल ज़ोफियल हमारे क्राउन चक्र से ये सारी ऊर्जा हमारे सारे चक्रों में भेजते हुए हमारे थर्ड आई, हमारे थ्रोट, हमारे हार्ट, हमारे सोलर, हमारे नेवल, हमारे हारा चक्र में, हमारे रूट चक्र में, हमारे लेग्स से होती हुई ये ऊर्जा हमारे अष्टा चक्र तक, और अष्टा चक्र से ये सेंटर ऑफ मदर अर्थ तक, और सेंटर ऑफ मदर अर्थ से ये पूरे प्लेनेट अर्थ पर ये ऊर्जा फैलती जा रही है। हम सभी प्राणियों से प्लेनेट अर्थ पर रहने वाले एक एक प्राणी से कनेक्ट हो चुके हैं।
हम सभी से एक वननेस की फीलिंग, अनकंडीशनल लव, हमारा हार्ट चक्रा प्लेनेट वीनस से कनेक्ट है, वहां से लगातार ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में आती जा रही है। पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होती हुई, हमारे पूरे शरीर से होती हुई मदर अर्थ तक फैलती हुई और मदर अर्थ से पूरे प्लेनेट पूरे ब्रह्मांड में फैलती हुई और पूरे ब्रह्मांड में लाखों अरबों स्ट्रीम्स ऑफ लाइट और हम सब हजारों करोड़ों वेब ऑफ लाइट से, इन स्ट्रीम्स ऑफ लाइट से जुड़े हुए। We all are one. I am light. I am love. I am light. I am love. I am light. I am love. Archangels झूमते हुए, डांस करते हुए, झूमते हुए, सिंग करते हुए, शतते शो 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 हमें ब्लेस करते हुए, सभी आर्कएंजल्स से हम प्रार्थना करते हैं कि वो सारी रात हमारे साथ रहें, हमारे पर काम करें, हमारे एनर्जी फील्ड को अलाइन करें, हमें ब्लेस करें, सपोर्ट करें, असिस्ट करें हमारी असेंशन जर्नी में, हमें हमारे साथ रहें हर क्षण हर पल। धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए वापस अपनी फिजिकल रियलिटी में धीरे 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 वापस आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ऑल। गला एकदम ऐसे एकदम सूखा सूखा और ऐसा हो गया, तो कर लो। बीच में पानी पी सकते हैं क्या? बिल्कुल आपको पीना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ये कोड फ्रीक्वेंसी हाई होती है, तो आपको पानी पीना ही, अगर आपको बहुत प्यास लगती है आप सिर्फ करके पीना होता है बीच में। बीच में आप जब बोल रहे थे ना तो गला एकदम सूख के एकदम चिपक गया। हाँ हाँ आप पानी रखिए अपने साथ, तभी मैं कहती हूँ पानी पास रखा करो। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू दीदी, थैंक्स अ लॉट।